हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल DS देखो और सीखो। चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। मैं आज आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि मोबाइल से ही, अपने मोबाइल से ही पासपोर्ट साइज कैसे बना सकते हैं फोटो। तो फ्रेंड्स, आप लोग अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो लाते रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरे मोबाइल के होम स्क्रीन पर, तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप थोड़ा सा टाइम देके वीडियो को देख लीजिए और आप लोगों को कुछ दिक्कत नहीं होगा, आराम से आप लोग बना सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको एक ऐप्स को इंस्टॉल कर लेना पड़ेगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, पहले आप देख लीजिए, उसके बाद इंस्टॉल कीजिएगा, नहीं तो आप बाद में नहीं सकेंगे, फिर आप बोलेंगे कि कमेंट करेंगे नहीं हो रहा, पहले आप देख लीजिए, ठीक है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखिए इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर न्यू फ़ोटो, न्यू फ़ोटो में एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए, हम लोगों का इंडियन है तो इंडियन में जाना है, एक बार क्लिक करना है और यहाँ पर 600 PDDPI ऐसे रहने देना है, ठीक है। इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहा है, यहाँ से आप फोटो ले सकते हैं, अपना डायरेक्ट खींच सकते हैं और यहाँ गैलरी से ले सकते हैं। तो मेरा गैलरी में है तो गैलरी में जाऊंगा। आने के बाद यहां से एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना आपको, जैसे मैं एक, मेरा एक कोई भी फ़ोटो, ये वाला फ़ोटो, ठीक है, इसको मैं लेके आप लोगों को दिखाता हूं। यहां आ गया। उसके बाद देखिए स्टार्ट एडिटिंग क्लिक करेंगे, उसके बाद इस तरह का देखिए घूम रहा फ़ोटो, तो इसको सीधा कर सकते हैं, सीधा कर लीजिएगा, उसके बाद छोड़ दीजिएगा। छोड़ने के बाद ऊपर में देखिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट कर दीजिएगा। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर अभी आपको सेलेक्ट करने बोल रहा है, इस तरह से पासपोर्ट साइज होता है। तो इसको सही तरह से आपको जहाँ जहाँ जितना दूर से काटना है, पासपोर्ट साइज जैसे होता है वैसे ही आपको ले लेना है। तो मैं इतना दूर से ले लूँगा। उसके बाद हो गया सेलेक्ट, ऊपर में देखिए क्रॉप्ट कर दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर आ गया, यहाँ से आप ब्राइटनेस कर सकते हैं, कंट्रास्ट कर सकते हैं, देखिए नीचे बहुत सारा है तो मैं नहीं करूँगा, ऐसे रहने दूँगा। और ऊपर में देखिए नेक्स्ट में चल जाएंगे। नेक्स्ट में जाने के बाद देखिए फ्रेंड्स, इस तरह का आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर देख लीजिए फोटो साइज है और ऊपर में सेव कर देना आपको, सेव। उसके बाद स्किप कर दीजिएगा, रिमूव मत कीजिएगा, स्किप में आ जाइएगा, सेव हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आ गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, आप कितना साइज का, लार्ज या स्मॉल साइज फ़ोटो जैसे भी बना सकते हैं, इसमें आपको करना है। तो JPG रहना देना है और यहाँ पर एड एन आउटलाइन क्लिक करना है। इसमें क्या होता है फ्रेंड, देखिए साइड में बॉर्डर लग जाता है, आप कोई भी कलर कर सकते हैं, बॉर्डर रेड, वाइट, कोई भी। तो ज़्यादातर रेड, ज़्यादातर ब्लैक रहता है, ब्लैक या वाइट, तो ब्लैक कर दूंगा। उसके बाद आप इसको कितना बड़ा छोटा कर सकते हैं देखिए, तो सिंपल ही रहने देते हैं, सिंपल ही रहता है, जितना आप कर सकेंगे कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर डन कर दीजिएगा। डन होने के बाद फिर सेव कर दीजिएगा फ्रेंड्स। सेव होने के बाद ऊपर में भी देखिए, ये सब कुछ नहीं करना आप लोगों को। अगर आप नाम लिखना चाहते हैं फ़ोटो में, देखिए यहाँ पर नाम भी लिख सकते हैं फ़ोटो में, जैसे नाम रहता है, डेट ऑफ बर्थ रहता है, उस टाइप से यहाँ पर लिखने से यहाँ आ जाएगा। तो मैं कुछ नहीं लिखूँगा, ऐसे ही मैं कुछ नहीं लिखूँगा, इसको हटा देते हैं और बैक आके ऊपर में देखिए सेव, इसमें सेव में क्लिक कर देंगे और सेव कर देंगे फ्रेंड्स, ठीक है। सेव हो गया। सेव होने के बाद देखिए यहाँ पर माय फ़ोटो में आ गया है, ठीक है। माय फ़ोटो में अभी ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखिए आ गया है फ़ोटो, ये वाला है पहला वाला। इसको अभी देखिए थ्री डॉट दिखा रहा है, थ्री डॉट में क्लिक करना है, देखिए इस तरह का हो जाएगा। और ऊपर में देखिए प्रिंट मल्टी कॉपीज, इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर साइज आ जा रहा है, सब पेपर का साइज आ जा रहा है। तो 4x6 साइज ले लेना आप लोगों को, ए A4 साइज है, ठीक है। तो 4x6 ले लेना है, इसी से ज़्यादा फ़ोटो निकलता है, तो इसको ले लेंगे। लेने के बाद देखिए ऑटोमेटिक फ्रेंड्स आपका फ़ोटो पूरा
पेपर में ऑटोमेटिक सेट हो गया। तो इसको अभी देखिए यहाँ पर रोटेट है, रोटेट करने के लिए यहाँ पर दबाएंगे तो देखिए पूरा इस तरह से आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 कॉपी आ जाएगा, 2 कॉपी फिर बचा हुआ। अगर फिर और ऐड करना होगा तो यहाँ पर प्लस करके ऐड हो जाएगा देखिए, और फिर हटाना होगा तो एक एक करके यहाँ पर क्लिक करना है फ़ोटो में, और यहाँ पर क्लिक करना है इस तरह से, और 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 इस तरह से 4 कॉपी निकल जाएगा। अगर 8 कॉपी निकालना है तो यहाँ पर दबा के 8 कॉपी कर लीजिएगा इस तरह से, हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है देखिए, ऊपर में सेव कर देना है फ्रेंड्स। और यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, PNG नहीं रखना है, JPG रखना है, ध्यान देना है, JPG को सेव कर देना है। सेव करने के बाद इतना ही आपका काम था, हो गया है। अभी आप जाइए गैलरी में जाइए, अभी आपको कुछ नहीं करना है, आप स्टूडियो जाइए और स्टूडियो में जाके आप बोलिए हमको ये वाला पेपर में 4-6 साइज पेपर में आप प्रिंट आउट निकाल दीजिए, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, निकाल देगा कलर में, उसके बाद आप कैंची से काट लीजिएगा फ्रेंड्स इस तरह से। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो लाते रहता हूँ। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, टाटा बाय।